ये लड़की आइसक्रीम बेचने वाले से आइसक्रीम परचेस कर रही है। थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये आइसक्रीम बेचने वाले के पास क्या क्या क्रेजी स्किल्स है, और उससे पहले आपको ऐसे कुछ एफिशिएंट वर्कर्स की स्किल्स दिखाने वाले हैं जिससे आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। ये जोड़ी को देखो जो कि इंडिया से है, ये बंदे को देखो जो कि बारबेक्यू मास्टर है। अब हमें अगर सुपर ह्यूमन एफिशिएंसी की बात करें तो आगे देखने वाले ह्यूमन मशीन्स को कोई बीट नहीं कर सकता। एकदम फास्ट शेफ, एकदम फास्ट एंड प्रोडक्टिव वेटर, एक इंटेंस डिशवॉशर, एक बिजली से तेज पैसे गिनने वाली कैशियर, एक रियल लाइफ का स्पाइडरमैन जिसको पता है कि उसे उसका काम स्मार्टली कैसे करना है। ये सारे वर्कर्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि उनके काम में वो जो करते हैं उसमें भी वो फंड ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर टीम वर्क का एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। हर एक लेवल पर वो सिंक्रोनाइज्ड है। चाहे ये वर्कर्स का कोई भी जॉब टाइटल क्यों ना हो, बट ये उनके काम के प्रति दिन प्रतिदिन इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उसमें वो एफिशिएंट बनते जाते हैं। एक वॉल पेंटर के पीछे एक आर्टिस्ट छिपा हुआ होता है, हर एक स्ट्रीट फूड वेंडर में एक आर्टिस्ट छिपा हुआ होता है, इवन आपको आपके नारियल पानी बेचने वाले में भी आर्टिस्ट छिपा हुआ मिल जाएगा। अब हम हमारे वीडियो के शुरुआत में जो आइसक्रीम वाले को देखा था उसे भी फिर से देख लेते हैं। बहुत सारे ट्राई के बाद एंड कुछ ट्रिक्स देखने के बाद वो लड़की को उसका आइसक्रीम मिल ही गया। ऐसे वर्कर जो अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट होते हैं वो हाईली रिस्पेक्ट भी डिजर्व करते हैं। पर एक कड़वा सच मैं आपको बताऊं कि ऐसे वर्कर जहां पर काम करते हैं वहां पर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ऐसे वर्कर्स टफ एंड डेंजरस जॉब करते हैं, बट उसके लिए उनको उनके जितना पे नहीं मिलता है। एंड इसीलिए आप मेरी हेल्प करोगे ये मुझे पता है। ये वर्कर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए आपको सिर्फ ये वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि उनको उनके हिसाब का पेमेंट नहीं मिलता है तो हम उन्हें हमारी ओर से रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं।